मेरठ के जसड़ गांव में बने माता के मंदिर में बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया और माता के गहने और मंदिर में लगे सोने के छत्र ले उड़े। पुजारी के मंदिर में पहुंचने पर घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद पुजारी ने थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौका मुआयना कर घटना स्थल की जांच शुरू कर दी है। सर, एक मंदिर को निशाना बनाया चोरों ने, लाखों रुपए का सामान लेकर उड़ गए हैं, सर क्या चल रहा है इसमें, क्या प्रॉब्लम? देखिए, ऐसा मामला संज्ञान में आया है, पुलिस में FIR दर्ज करेगी, कार्रवाई करेगी। जल्दी जल्दी जितने भी लोग होंगे उनको क्रिमिनल्स को नैप करेंगे, विल पुट देम बिहाइंड बार्स। मामला था पूरा, ये दुर्गा मंदिर जैसा गांव के छोर पे है, उत्तर साइड में जी। यहाँ पे जो रात चोरी हुई है वो ऊपर बुर्जी तोड़ के जब अंदर घुसे हैं और घुसने के बाद में इसमें से ताले तोड़ के अंदर के, और इसमें 7 तो छतर थे जो चांदी के थे, 3 नथली थी सोने की, और करीबन ये समझो 9-10 पहुंची थी जो चांदी की थी, इसमें बंधी हुई थी इनके जी। और करीबन ये समझो को हाँ, इसमें माला थी जो वो 20-20 के नोटों की थी, और जो पहली माला थी 10-10 के नोटों की वो साइड में रखी हुई थी पहली, वो 15-16 माला वे थी, और 9 माला ये थी कैश, 9 क्यों ये थी 12 माला थी ये। लगभग कितना नुकसान है टोटल? लगभग 12-13 हज़ार रुपये की तो माला थी जी, और 10 हज़ार रुपये जो कैश रखा था, जो यहाँ चढ़ावा हुए है वो इकट्ठा करके रख दें, ऐसी दान पात्र का डब्बा ही है एक छोटा सा, उसमें रख दें जो करीबन वो थे। और जी वैसे 1 लाख रुपये के करीब यहाँ से जो सामान गया है सब, उसकी कीमत 1 लाख रुपये करीब है।